नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे Xiaomi की जो नोट सीरीज है वो काफी सक्सेसफुल थी स्टिल नोट 5 प्रो तक। जी हाँ दोस्तों, नोट 6 काफी चला नहीं क्योंकि आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा था उस फोन में, तो इसकी वजह से नोट 6 प्रो तो नहीं चला। बट यहाँ पे अब उसका नेक्स्ट अपग्रेडेड आएगा जो कि होगा Xiaomi का नोट 7 प्रो, वो काफी दमदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनको अपनी मार्केट में जगह बनानी है, तो ये फोन जब भी आएगा तो ढेर सारे फीचर के साथ में आएगा एंड उस फोन के लीक्स भी अब बाहर आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे एंड दोस्तों ये फोन सच में किलिंग होने जा रहा है। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें अगर आपको लेना है नोट सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन जो कि होगा नोट 7 प्रो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे Xiaomi की जो नोट सीरीज थी नोट 5 प्रो तक तो काफ़ी बेहतरीन थे, बट यहाँ पे नोट 6 प्रो थोड़ा सा मार्केट में अपनी जगह ज़्यादा नहीं बना पाया। तो यहाँ पे अब नोट 7 प्रो जो है वो काफ़ी दमदार फीचर के साथ में आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के बेहतरीन लुक्स की एंड बेहतरीन डिज़ाइन की। तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले एंड दोस्तों ये डिस्प्ले होगा वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब Xiaomi Note सीरीज में भी आपको देगी वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले जो कि काफी दमदार होगा। इस फोन की जो बॉडी होगी वो भी काफी दमदार होगी। बैक साइड की तरफ आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा विद LED फ्लैश एंड शायद से फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड की तरफ देखने को मिल सकता है या फिर डिस्प्ले के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसके बारे में कंफर्म नहीं है, बट कह रहे हैं कि इस फोन में आपको जो है वो अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बट दोस्तों मुझे नहीं लगता कि नोट सीरीज में इतने जल्दी आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा, क्योंकि इससे जो है आपकी फोन की प्राइस बढ़ेगी, तो ये फोन में आपको बैक साइड की तरफ ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन का परफॉर्मेंस काफी दमदार होने वाला है, क्योंकि इस फोन में लगने वाला है हाल ही में लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन का 675। जी हाँ दोस्तों, काफी दमदार प्रोसेसर है, इस फोन के ग्राफिक्स काफी बेहतरीन हो गए एंड यही प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलेगा रेडमी 2 प्रो में। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इस फोन में आप काफी बेहतरीन तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं। पबजी गेम जो है वो आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में भी खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना कि नॉर्मल ग्राफिक्स बल्कि हाई ग्राफिक्स में आप पबजी का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप सोचिए इस फोन का परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन होगा। इस प्रोसेसर की वजह से आपका फोन लैग भी नहीं होगा, हैंग भी नहीं होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से आपका फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। तो इस फोन का परफॉर्मेंस काफी दमदार होने वाला है एंड पबजी खेलने के लिए आपको लगती है ज्यादा बैटरी, तो इस फोन में भी आपको ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगी। 4100 mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 4100 mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी एंड ये फोन सपोर्ट करेगा फास्ट चार्जिंग को एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि इस फोन में भी आपको शायद से, जी हाँ दोस्तों, शायद से USB टाइप सी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है, फास्ट चार्जिंग तो यहाँ पे है ही, बट USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है क्या नहीं। यहाँ पे और एक बेहतरीन फीचर जो कि होगा डुअल वोल्टी का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, डुअल 4G सिम का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि दो सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड आप एट अ टाइम यूज कर सकते हो, तो ये दोनों भी फीचर काफी बेहतरीन है। सभी तरह के सेंसर भी आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। अब आते हैं इस फोन के बेहतरीन फीचर की तरफ जो कि इस फोन का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, नोट सीरीज के कैमरा तो काफी दमदार होती है, तो इस फोन में आपको बैक साइड की तरफ देखने को मिलेगा 16+5 MP का कैमरा जिसका एपरेचर होगा f1.8 का एंड f2.0 का। तो इस फोन में आप काफी बेहतरीन तरीके से जो है वो फोटोज खींच सकते हैं। LED फ्लैश भी आपको बैक साइड की तरफ देखने को मिलेगा एंड बात करें यहां पे फ्रंट साइड की सेल्फी की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे शायद से डुअल कैमरा का सेटअप। जी हां दोस्तों, 20 और 5 MP का आपको फ्रंट साइड की तरफ जो है वो कैमरा देखने को मिलेगा। तो इस फोन का सेल्फी काफी लाजवाब आएगा, AI टेक्नोलॉजी को यस सेल्फी सपोर्ट करेगा, तो फोटोज इस फोन के काफी दमदार आएंगे। दोस्तों इस फोन का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन की वेरिएंट की, तो ये फोन आएगा 2 वेरिएंट में, 4 GB RAM, 64 GB का स्टोरेज, 6 GB RAM, 128 GB का स्टोरेज एंड यहाँ पे 6 GB में और एक वेरिएंट हो सकता है जो कि होगा 256 GB का, ऐसा कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता, ये दो वेरिएंट तो कंफर्मली आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इस फोन की प्राइस उसी
इसी तरह होगी, 15 से 17 हज़ार के आसपास। एंड जो बेस मॉडल होगा उसकी प्राइस लगभग 13 या फिर 14 हज़ार होगी। अब आते हैं ये फ़ोन कब लॉन्च होगा। तो ये फ़ोन बहुत ही जल्दी, मतलब कि मई महीने की आखिर में ये फ़ोन लॉन्च होगा। तो अब देखते हैं ये फ़ोन कितने जल्दी आता है एंड कौन सी प्राइस रेंज में आता है एंड कौन कौन से बेहतरीन फीचर लाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप सच में नोट 7 प्रो का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बेहतरीन फीचर इस फ़ोन में आएंगे वो भी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।